नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि SBI कार्ड का IPO आया हुआ है, एक बहुत बड़ा IPO आया हुआ है और इस पे काफ़ी सारे एनालिसिस वीडियो 2-3 महीने से अवेलेबल है और उसमें काफ़ी अच्छी सी जानकारियाँ भी दी गई है, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट है जो कि मिसिंग है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैंने देखा है कि कुछ फैक्ट मिसिंग है जो कि आपका जानने के लिए ज़रूरी है। ये क्यों जरूरी है, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो SBI कार्ड का IPO आया है, ये भी एक IRCTC के IPO की तरह होगा। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जो IRCTC का IPO आया था, वो मोर देन 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और उस पर रिटर्न्स भी बहुत अच्छा है, तो लोग इसके कंपेरिजन उससे कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि शायद SBI कार्ड में भी 100 टाइम्स सब्सक्राइब होगा, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि सब्सक्राइब ज़्यादा होगा तो फिर जिसे भी अलॉटमेंट होगा उसे रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 टाइम सब्सक्राइब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इस पर एनालिसिस करूँगा आज। मैं आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं होगा 100 टाइम सब्सक्राइब। लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं भी कहता हूँ कि अप्लाई कीजिए, मैं भी अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको अप्लाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, इस पर भी एनालिसिस करेंगे आज। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आज तक जितने भी IPO में मैंने अप्लाई किया है, सब में मुझे अलॉटमेंट मिला है। वो अलॉटमेंट कैसे मिलता है, इसके पीछे ट्रिक्स क्या है, मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन आज इस वीडियो में खास बताऊँगा, क्योंकि ये जो SBI कार्ड का IPO है उसमें एक अलग एडिशनल रिजर्वेशन है जो कि सारे IPO में नहीं होता है। इस एडिशनल रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा, सभी को तो नहीं लेकिन बहुत सारे जो छोटे निवेशक हैं उसको इसका फ़ायदा मिलेगा, अलॉटमेंट में मिलेगा फ़ायदा। तो क्या है ये रिजर्वेशन और क्या ट्रिक्स है जिससे कि आपको भी अलॉटमेंट मिल सकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसको जल्दी से इसको शॉर्ट में इसका एक समरी दिखा देता हूँ, IPO का समरी दिखा देता हूँ, IPO का फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे कि इस पर 100 टाइम सब्सक्राइब क्यों नहीं होगा और इस पर ट्रिक्स क्या है जिससे अलॉटमेंट मिले और इस पर क्या करना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या होगा इस पर बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, आपको इसमें जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट एनालिसिस मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं SBI कार्ड का बेसिक डिटेल और इसका फाइनेंशियल्स और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं इस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इस IPO का बेसिक डिटेल। यहाँ मैंने कुछ बेसिक डिटेल लिखा है जिसमें से कुछ पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से, इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करूँगा आगे के स्लाइड्स में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो इशू साइज है वो है मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ का, और इसका जो IPO प्राइस है वो 750 से 755 पर इक्विटी शेयर है। तो इसका जो इशू साइज है 10,000 करोड़ का, जो कि आप अगर कंपेयर करते हैं IRCTC के IPO से, जो IRCTC का IPO था 645 करोड़ का और इसका इशू साइज है मोर देन 10,000 करोड़ का। तो इस पर मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये IPO 100 टाइम सब्सक्राइब नहीं होगा, कितना सब्सक्राइब होगा इस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसका जो मार्केट लॉट है वो 19 शेयर्स का है, मतलब अगर आपको मिनिमम अप्लाई करना, रिटेल सेक्टर में अगर अप्लाई करना है, मिनिमम अप्लाई करना है, तो आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और जो कि होगा 19 शेयर्स का, और आपको इसके लिए पे करना होगा 14,345 रुपीज़। अगर कट ऑफ प्राइस अगर हाइयर प्राइस पे होता है तो आपको ये मान के चलना होगा कि 755 पे कट ऑफ प्राइस होगा तो आपको 14,345 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर आप मैक्सिमम अप्लीकेशन करना चाहते हैं एज ए रिटेलर तो आपको अप्लाई करना होगा 13 लॉट का, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख का, तो आपको 13 लॉट का ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टोटल शेयर्स मिलेंगे 247 और आपको पे करना होगा 1,86,485 रुपीज़। तो ये तो क्या मैक्सिमम, लेकिन मैं यहाँ पर एक और भी आपको बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट श्योर सर्टेन मिले, आपका अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा हो, तो इस पर्टिकुलर IPO में आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने जब भी IPO का वीडियो बताया है तो मैंने आपको कहा है कि आप हमेशा 1 लॉट के लिए ही अप्लाई कीजिए। अगर जो मेरा ट्रिक्स है कि अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको ओनली 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन इस IPO में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है और कौन से कोटा से अप्लाई करना है, इस पर मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पे करना होगा 28,690 रुपीज़, अगर आप कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो।
इसका कुछ इम्पोर्टेंट डेट भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने का डेट है 2nd मार्च से 5th मार्च तक, और इसमें जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा वो होगा 11th मार्च को, और आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स आएंगे वो आएंगे 13 मार्च को, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। और इसका जो IPO का लिस्टिंग होगा उसका टेंटेटिव डेट है 16 मार्च। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक अलग से रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिसके पास SBI का शेयर्स पहले से हैं। अगर आपने, आपके पास SBI बैंक का शेयर्स पहले से आपके अकाउंट में है और उसका रिकॉर्ड डेट है 18 फरवरी, अगर 18 फरवरी को आपके पास SBI का शेयर था तो आपके लिए एक अलग से कोटा है, और उसमें एक काफ़ी बड़ी संख्या में एक शेयर्स डिसाइड किया गया, रिजर्व किया गया है, तो आप इस कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो SBI के एम्प्लाई हैं उनके लिए भी अलग से कुछ रिजर्वेशन है, तो आपके लिए शेयर होल्डर रिजर्वेशन आपके लिए काम का चीज़ हो सकता है अगर आपके पास SBI का शेयर है, 18 फरवरी को था तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फाइनेंशियल। तो ये फाइनेंशियल है जो कि मैंने इसका जो रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट है उससे मैंने निकाला है। अगर आप इस पे देखेंगे जो December 31, 2019 का, और इसका कंपेयर करें पिछले साल का December 31, 2018 के से कंपेयर करें, तो एसेट वैल्यू जो है 29% बढ़ा है। एक साल में इसका एसेट 29% बढ़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 88% इंक्रीज हुआ है, और इसका EPS भी देखिए तो 84% इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब कि इसका फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट पिछले एक साल में बहुत अच्छा मिला है, तो आप आगे भी होप कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक और डिटेल दिखा रहा हूँ जो कि ये भी मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट से निकाला है। अगर आप इसको देखिए, इसका जो SBI कार्ड है, इसे कहा जाता है कि इंडिया का 2nd लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है। तो फर्स्ट है HDFC बैंक और सेकंड है SBI बैंक का SBI कार्ड। तो जो SBI कार्ड है अगर आप 2018 में देखें तो इसका टोटल परसेंटेज जो ओवरऑल मार्केट था वो था 17% का, जो कि एक साल में इंक्रीज होकर के 18% हो गया। अगर HDFC का देखें तो कम हुआ, 2% कम हुआ है। ICICI का भी देखें तो 1% इंक्रीज हुआ है, और SBI कार्ड का 17% से 18% इंक्रीज हुआ है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे और भी इसका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा। यहाँ मैं आपको एक और हिडन चीज़ दिखा दूँ जो कि बहुत सारे एनालिसिस में लोगों ने नहीं बताया, लोग बता रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ कार्ड इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसका देखिए कि यहाँ जो टोटल क्रेडिट कार्ड का स्पेंड्स है जो वो कितना है। तो अगर आप पिछले साल देखें 2018 में, तो SBI कार्ड का स्पेंड 17% था, वो अभी भी 17% ही है। नंबर ऑफ कार्ड इंक्रीज हुआ है लेकिन स्पेंड इंक्रीज नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे के स्लाइड में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कई लोग इसे, इसका कंपेरिजन IRCTC के IPO से कर रहे हैं कि IRCTC के IPO में 111 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो इसमें भी इतना सब्सक्राइब होगा, और जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है चांस उतना ही ज़्यादा होता है कि आपको लिस्टिंग पे आपको कितना ज़्यादा गेन होगा। तो यहाँ पैसा नहीं है, क्यों नहीं है इसका मैंने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। अगर आप देखें IRCTC का IPO सब्सक्राइब हुआ था 111 टाइम्स, और SBI कार्ड का IPO अगर सिमिलर सब्सक्रिप्शन होता है, अगर सिमिलर सब्सक्रिप्शन मतलब मोर देन 100 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, तो सोचिए कि मार्केट में मनी इनफ्लो कितना होगा। 111 इंटू इसका जो टोटल साइज है 10,340 करोड़ का है, तो टोटल इनफ्लो हो जाएगा 11 लाख करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है अभी, तो इसका मतलब इतने पैसे तो आएंगे नहीं मार्केट में। तो 11 लाख करोड़ रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा है, इतना लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इतना इनफ्लो तो नहीं आएगा। तो इसका इनफ्लो इतना नहीं आएगा मतलब ये 111 टाइम्स सब्सक्राइब नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि IRCTC के IPO में इतना सब्सक्राइब क्यों हुआ था, क्योंकि उसका साइज छोटा था, 640 करोड़ का था, तो उसका साइज छोटा था तो उसमें इतना ज़्यादा इनफ्लो आ गया था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया है कि आप ये कभी मत सोचिएगा कि मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होगा। अब कितना सब्सक्राइब होगा, तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका IPO साइज जो IRCTC का IPO साइज था वो 645 करोड़ का था, और सब्सक्रिप्शन हुआ था 111 टाइम्स, तो मनी जो टोटल इनफ्लो आया था 645 इंटू 111, जो कि था 71,000 करोड़।
इफ सेम मनी, अगर आप मान ले कि ये 71,595 करोड़ इनफ्लो आता है इस आईपीओ के लिए, तो इसको आप डिवाइड कर दें इसके टोटल साइज से जो कि 10,000 करोड़ है, तो आपको एक्चुअल आता है 6.9 टाइम्स। मतलब इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर सेम इनफ्लो आता है तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 6.9 टाइम्स। लेकिन यहाँ एक और भी प्लस पॉइंट है, चूँकि IRCTC का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, रिटर्न्स बहुत अच्छा आया था, तो हो सकता है कि इस पर और भी ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तो इसलिए मैंने थोड़ा हाइयर साइड लिया है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 10 to 11 टाइम्स हो सकता है, लेकिन 100 टाइम्स तो नहीं होगा, 10 to 11 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अब इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में तो रिटेल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था, तो IRCTC का जो रिटेल सब्सक्रिप्शन हुआ था वो था 14.83%। मतलब 70 लाख शेयर जो ऑफर किया गया था, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसका IPO के प्राइस से 320 से, तो इसका जो परसेंटेज था 14.83, तो टोटल लगभग 3,000 करोड़ के आसपास जो रिटेल सेगमेंट में इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था। अगर आप मान लेते हैं कि यही 3,321 करोड़ SBI कार्ड के लिए आता है रिटेल सेगमेंट से, तो इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर रिटेल सेगमेंट में अगर इसका देखा जाए तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका जो होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वो लगभग 2 to 5 टाइम्स ही होगा। तो इसमें आपको अलॉटमेंट का चांस ऐसे भी ज़्यादा है, IRCTC से तो ज़्यादा चांस है, क्योंकि वहाँ रिटेल सेगमेंट में अप्लीकेशन आया था 14%, यहाँ आपको आएगा 2 to 5%, तो अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा है इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि SBI कार्ड है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज़ में, HDFC के बाद इसका नंबर आता है और इंक्रीज़ भी हो रहा है। इसमें बहुत कुछ स्ट्रेंथ भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, और इसमें मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो यहाँ मैंने कुछ फैक्ट्स लिया है जो कि बिजनेस हिंदू बिजनेस लाइन से लिया है। उसमें उन्होंने बताया कि एवरी 100 पीपल इन इंडिया देर आर ओनली 3 क्रेडिट कार्ड, जबकि US में संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में सिर्फ 3 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है 100 लोगों में। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट में स्कोप बहुत है, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत स्कोप बचा हुआ है, क्योंकि ओनली 3% लोग अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका जो पेरेंट कंपनी है SBI कार्ड, दैट इज़ द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, इसके पास ह्यूज कस्टमर बेस है। जो SBI बैंक है, इसके पेरेंट कंपनी है, उसके पास ह्यूज कस्टमर बेस है, तो उनको नए कार्ड सेल करने में ईजी रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कस्टमर है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी कस्टमर एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो उस पर देखना होगा कि जो सारे लोग हैं, इसमें SBI कार्ड है जो कि छोटे छोटे शहर में भी है, Tier 2, Tier 3 सिटी में भी है, वहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी देखेंगे तो शायद बहुत ही संख्या कम होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है कि ह्यूज कस्टमर बेस है जिसे क्रेडिट कार्ड सेल करना ईजी होगा, लेकिन निगेटिव ये है कि सारे कस्टमर एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक ये भी देखना होगा। अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है क्रेडिट कार्ड का, जो इसका जो क्रेडिट कार्ड है वो उसका लाइफ स्टाइल है, रिवार्ड, ट्रेवल, फ्यूअल, शॉपिंग, बैंकिंग, पार्टनरशिप, बहुत सारे हैं, बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड है, इसके बहुत सारे को ब्रांडेड पार्टनर भी हैं, जैसे कि बिग बाजार के साथ इनका पार्टनरशिप है, FBB कार्ड है, टाटा के साथ है, SBI टाटा कार्ड है, स्टार बाजार कार्ड है, इसे इसका पार्टनर बहुत हैं, IRCTC के साथ इसका पार्टनरशिप है, IRCTC SBI कार्ड है, तो को ब्रांडेड कार्ड बहुत है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका जो पॉलिसी है वो HDFC बैंक अदर बैंक की तरह नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप SBI का कार्ड आपके पास है तो आप मैक्सिमम SBI का सिर्फ 2 कार्ड आप इशू करा सकते हैं। अब बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड है लेकिन आप 2 से ज़्यादा को ब्रांडेड कार्ड आप नहीं ले सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा। अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड का जो यूजेज है पिछले कुछ सालों से बहुत ही इंक्रीज हुआ है, काफ़ी लोग नए क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जब ये मोबाइल पेमेंट आ गया है, पेटीएम, फ़ोनपे, UPI ट्रांजेक्शन, उसके बाद से बहुत सारे लोग अब क्रेडिट कार्ड को अपने वैलेट में होल्ड नहीं करना चाहते हैं और वो मोबाइल पेमेंट करते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि आपने नंबर ऑफ कार्ड, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि नंबर ऑफ कार्ड जो है इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ 17-18%, लेकिन स्पेंड इंक्रीज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल पेमेंट भी एक इसका एक कंपटीटर आ गया है। तो यहाँ पर ये भी देखना है कि मार्केट में स्कोप तो बहुत है लेकिन मोबाइल पेमेंट का भी स्कोप बहुत है, मोबाइल पेमेंट में लोग आ रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, वो कार्डलेस पेमेंट को प्रीफर कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं कार्डलेस पेमेंट को। इसके अगर कुछ कंपटीटर को देखें, जैसे कि सिटी बैंक है, वो बहुत सारे ऑफर ऑफर कर रहे हैं, और अगर उनका मेरे पिछले स्लाइड में अगर देखेंगे तो उनका स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ कार्ड इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो ऑफर ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर SBI कार्ड अपना नंबर ऑफ कार्ड बढ़ाते भी हैं, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाते भी हैं, तो इनके जो कंपटीटर हैं, सिटी बैंक कार्ड है या इससे कहा जो कंपटीटर हैं, वो भी इसको बीट करने के लिए अपने ऑफर को लाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो होगा रिटेल सेगमेंट में, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 2-5% होगा। तो ये भी एक रिस्क है कि शायद आपको लिस्टिंग के समय बहुत ज़्यादा गेन ना मिले। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि जो अभी करंट मार्केट है, करंट स्टॉक मार्केट है, उसमें अभी बहुत ही बड़ा क्रैश आया, लास्ट 2 दिन से बहुत बड़ा क्रैश आया है, कोरोना वायरस के कारण बहुत ही मार्केट में शार्प फॉल आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये IPO आ रहा है, तो जहां मार्केट में क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रही है कोरोना वायरस के कारण, तो ऐसे समय अगर IPO का लिस्टिंग होता है तो देखना होगा कि लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं। अब इस पर मेरा ओपिनियन क्या है, अगर आप देखें जो ग्रे मार्केट होता है, अनऑफिशियल मार्केट होता है, उसमें जो लास्ट प्रीमियम रिपोर्टेड है वो है 375 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो लिस्टिंग होना चाहिए वो 375 रुपीज़ ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से शायद इसका लिस्टिंग 850 से 900 के आसपास होगा। और मेरा सेकेंड ओपिनियन ये है कि इसका जो लिस्टिंग गेन इसका अच्छा रहेगा, लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है, और आप अच्छा ये होगा कि अगर आपको लिस्टिंग गेन होता है तो आप 75% या 50% प्रॉफिट आप सेम डे बुक कर लें, लिस्टिंग के समय बुक कर लें, बाकी आप इसे होल्ड कर सकते हैं 1100 के लिए, और या फिर अगर 1100 पे अगर सेम डे अगर लिस्ट होता है तो आप सेम डे 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसा कि लोगों ने देखा है कि IRCTC के IPO में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न आए थे, तो कुछ लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बैंक से लोन उठाए, दोस्तों से लोन उठाए, दोस्तों से बोरो करें और इस पर IPO में पैसा लगाएं। तो आप IRCTC IPO के तहत ऐसे मत लीजिए, आप अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप खुद के पैसे से करें, इस पर किसी से बोरो करके या लोन करके इस पर आप पैसा ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि इसका प्रीमियम लिस्टिंग ज़्यादा ना भी हो करंट मार्केट को देखते हुए, तो फिर उसमें आपको लॉस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ महीने वेट करना पड़े, 6 मंथ या 1 साल आपको वेट करना पड़ सकता है अच्छे रिटर्न लेने के लिए। और चलिए मैं आपको अपना ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे कि मुझे अलॉटमेंट हमेशा मिलता है। तो ये जो ट्रिक्स है इसमें इस कार्ड के IPO के लिए थोड़ा एक एडिशनल भी है। तो अभी तक जो भी IPO मैंने अप्लाई किया, चाहे वो IRCTC का IPO क्यों ना हो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी मुझे अलॉटमेंट मिला था, तो मैं जो ट्रिक्स अप्लाई करता हूँ वो ट्रिक्स ये है कि मैं हमेशा सेविंग बैंक अकाउंट से अप्लाई करता हूँ। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई मत कीजिए, आप सेविंग बैंक से अप्लाई कीजिए। सेकंड ट्रिक्स ये है कि आप लेडीज़ अकाउंट से अप्लाई कीजिए। अगर आपके घर में किसी लेडीज़ मेंबर का सेविंग अकाउंट है, उनका डीमैट अकाउंट है, तो आप लेडीज़ के अकाउंट से अप्लाई कीजिए। आपको अप्लाई करना है सेविंग अकाउंट से, लेकिन वहाँ पर डीमैट अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। सारे सेविंग बैंक अकाउंट में, चाहे कोई SBI बैंक हो या ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, सभी बैंक के सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी होता है कि आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सेविंग बैंक के अकाउंट से अप्लाई कीजिए, लेडीज़ अकाउंट से अप्लाई कीजिए, और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि हमेशा 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करें, आप मैक्सिमम लिमिट के लिए अप्लाई ना करें, हमेशा 1 लॉट के लिए अप्लाई करें। मैं हमेशा 1 लॉट के लिए अप्लाई करता हूँ और हमेशा अलॉटमेंट भी मिलता है। और इस IPO में एक स्पेशल रिजर्वेशन है जो SBI के शेयर होल्डर हैं। अगर आपके पास SBI का शेयर्स है, 18 फरवरी जो इसका रिकॉर्ड डेट है, उस दिन अगर आपके पास SBI का शेयर था तो आपके लिए एक अलग से रिजर्वेशन है, अलग से कोटा है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि 1 लॉट आप अप्लाई करें एज ए रिटेलर, 1 लॉट अप्लाई करें SBI शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करें। तो इस तरह से आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे आपको अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो कोटा का अलॉटमेंट मिलेगा, ऊपर से रिटेलर का भी मिल सकता है। लेकिन दोनों मिला के कि अगर आप मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ऊपर अप्लाई नहीं करना है। और फोर्थ पॉइंट ये कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें। अगर आप ये 4 ट्रिक्स अपनाते हैं तो अलॉटमेंट मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। मुझे तो हमेशा अलॉटमेंट मिला है, तो अलॉटमेंट मिलने का चांस आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये था मेरा ट्रिक्स और मेरा एनालिसिस।
तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जब तक ये आईपीओ का डेट ख़त्म नहीं होता है उसके पहले जल्दी से शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस ट्रिक्स को, इस एनालिसिस को देख सकें और अप्लाई कर सकें। तो जल्द से जल्द सबको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।